चाइना नहीं है। आज आपका दूसरा लेसन है ए लेटर टू गॉड, लिखा गया है किसके द्वारा, जीएल फंड्स के द्वारा। कहानी क्या है, एक गरीब किसान की। एक गरीब किसान है जिसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, फिर वह ईश्वर के पास खत लिखता है और जब वो उधर से पैसे मांगता है, 100 पीसेस में से मात्र 70 पीसेस मिलते हैं, तो पैसे को देख कर करके वो नाराज हो जाता है, चकित होने के बजाय वो नाराज हो जाता है और फिर से खत लिखता है और कहता है कि ईश्वर, जो मैंने पैसे तुमसे मांगे थे वो पैसे हमें मिले तो ज़रूर, लेकिन 70 ही मिले, शेष जो पैसे हैं उसको भेज देना, लेकिन पोस्ट ऑफिस से ना भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, कहानी इसमें यही है। चलिए देखते हैं किस तरह से कहानी है, पूरा डिटेल में पढ़ कर करके देखिएगा। द हाउस, वह घर। उस हाउस के पहले द का प्रयोग क्यों कर दिया गया है, यानी वह निश्चित घर किसका, उस लेंचो का, यानी आर्टिकल द का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जो निश्चित हो। तो द हाउस, वह घर। अब उसका घर के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस इंटायर वैली में संपूर्ण घाटी में द ओनली वन था, यानी वह घर एकलौता घर था, एकमात्र घर था, इंटायर वैली में संपूर्ण घाटी में वह एकमात्र घर था। अब अगर आगे फिर से बताया जा रहा है, फिर से हाइफन देकर करके एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी हाइफन जब हो जाए तो उसके पहले वाले का एक्सप्लेनेशन आगे है। सैटान बैठा था, नहीं स्थित था, यानी वह घर स्थित था। द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी पे। द क्रिस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के अगर ऊपर भाग, ऊपर वाले भाग पे था, यानी चोटी पर बसा हुआ था। और देखिएगा उस घर के बारे में, यानी द हाउस द ओनली वन इन द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में जो एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। फ्राम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था रिवर को, एंड द फील्ड ऑफ द राइपकॉर्न, द फील्ड ऑफ द राइपकॉर्न, राइपकॉर्न को भी कोई देख सकता था। वन कुड सी, कोई देख सकता था रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ द राइपकॉर्न, पकने वाले, पके हुए नहीं कहेंगे, पकने वाले अनाज के फील्ड को, खेत को भी देख सकता था। डॉटेड बिंदु के रूप में थे, यानी विथ द फ्लावर्स, फूलों से जल लदे हुए थे, इस तरह से कहेंगे, डॉटेड विथ द फ्लावर, यानी फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करता था, जो हमेशा वादा करता था, ए गुड हार्वेस्ट, यानी वह सॉरी वह खेत, यानी वह फसल वादा करती थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, वह फसल हमेशा वादा करती थी ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। फिर से जरा देखो, वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था नदी को, एंड द फील्ड ऑफ द राइपकॉर्न, और उस फील्ड को भी देख सकता था राइपकॉर्न, पकने वाले अनाज के खेत को, ठीक, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूल से लदे हुए थे। तो वह खेत, वह फसल क्या कर रही थी, वादा कर रही थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा कर रही थी, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, यानी फसल को देख कर करके बिल्कुल मालूम पड़ रहा था, बिल्कुल मालूम पड़ रहा था कि ये फसल अच्छी होगी। ठीक है, वह फसल अच्छी होगी। आगे समझिएगा, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जिस एकमात्र चीज़ की धरती को ज़रूरत थी, वाज ए डाउनपुर, एक भारी वर्षा की जरूरत थी, और एटलीस्ट ए शावर, अथवा कम से कम बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह भर लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी ना किया था, बट सीन द स्काई, बल्कि देखा था आकाश को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश को सिर्फ देखा था। फिर से, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को जिस एकमात्र चीज़ की जरूरत थी, वाज ए डाउन पोर, एक भारी वर्षा की जरूरत थी, और एटलीस्ट ए सावर, अथवा कम से कम बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह भर, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो अपने फील्ड को, अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ और ना किया था, बट सीन, बल्कि देखा था द स्काई, आकाश को देखा था, टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के आकाश को बस देखा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन,
क्या कह रहे हैं, लेंचो कह रहा है नाउ वीर यानी वी आर रियली, हम लोग जा रहे हैं वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं टू गेट पाने सम वाटर, हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, ओ मैन ए प्रिय ए मेरी वाइफ, ठीक है, अब हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, द ओ मैन वो औरत यानी उसकी वाइफ, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी क्या सफ़र यानी शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दी यस हाँ हाँ गॉड विलिंग, ये तो ईश्वर की अनुकंपा है यानी ईश्वर की कृपा है कि हम पानी पाने जा रहे हैं, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े लड़के थे वर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे छोटे जो बच्चे थे अर्थात उसके कई बच्चे थे छोटे छोटे और बड़े बड़े, ठीक ना, ये जो बच्चे थे ये काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे छोटे वाले जो थे वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो ये कहीं घर के इर्द गिर्द में पास में ही खेल रहे थे, अनटिल द ओमेन कॉल्ड जब तक कि वो औरत बुलाती नहीं, टू देम ऑल उन सबको बुलाती नहीं यानी तब तक खेलते, कम फॉर डिनर यानी डिनर के लिए आओ यानी तब तक वो खेलते रहा करते, इट वाज ड्यूरिंग द मील का समय था यानी भोजन का समय था दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूर्व में ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स बादलों का विशाल पर्वत कुड बी सीन दिखाई दे सकता था, यानी उत्तर और पूर्व में बादलों का विशाल पर्वत दिखाई दे सकता था, अप्रोचिंग मिस आते हुए दिखाई दे सका, द एयर वाज कुड लगा है सका, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम ताजी थी और मीठी थी यानी मधुर थी, द वुमैन व औरत वेंट फॉर नो अदर रीजन, वह औरत गई किसी दूसरे रीजन से नहीं, किसी दूसरे कारण से वह औरत नहीं गई, द वुमैन वेंट आउट बाहर गई वह औरत, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे रीजन से नहीं गई, देन टू हैव द प्लीजर, बल्कि क्या छुटा है क्या मैन है ठीक है, द मैन वेंट वह आदमी गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव देन मतलब ये पेशा टू हैव मिस लेने द प्लीजर मिस आनंद को आप फीलिंग मिस अनुभव के द रेन मिस वर्षा के ऑन हिज बॉडी मिस अपने शरीर पे अपने शरीर पर वर्षा के आनंद के अनुभव को लेने के अलावा किसी दूसरे कारण से वह बाहर नहीं गया, एंड वेन ही रिटर्न और जब वह वापस लौटा ही एक्सक्लेम्ड वह चकित होकर करके कहा क्या चकित होकर के कहा दीज अरंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ये नहीं है वर्षा की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आकाश से गिर रही हैं दे आर न्यू सिल्वर क्वाइंस ये नए नए क्वाइंस हैं नए नए सिक्के हैं दीज बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज ये बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं आर 10 सेंट पीसे 10-10 सेंट की हैं एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो कितने की हैं विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि भरे स्वभाव के साथ विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि भरे स्वभाव के साथ एकदम संतुष्ट होकर करके सेटिस्फाइड होकर करके ही रिगार्डेड द फील्ड उसने खेत को देखा ऑफ राइप कॉर्न पके हुए नहीं पकने वाले अनाज के खेत को देखा विथ इट्स फ्लावर जो अपने फूलों के साथ थे ड्रिप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन ड्रिप्ड मतलब लिपट गए थे इन ए कर्टेन मीन्स पर्दे में ऑफ रेन मीन्स वर्षा के पर्दे में लिपट गए थे ड्रिप्ड उसी में लिपट गए थे बट सडनली अचानक ए स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू फॉल लेकिन अचानक एक जोरों की हवा बिगेन टू ब्लो बहने लगी एंड अलॉन्ग विथ और उसी के साथ द रेन और उसी के साथ हवा भी चलने लगी अब वर्षा भी होने लगी वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल और बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन मीन्स ओले बिगेन टू फॉल गिरने लगे यानी बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे बहुत बड़े बड़े
ओले भी गिरने लगे, बिगेन टू फॉल। दिस ट्वेली डिट रिजेंबल, ये सचमुच में मालूम पड़ते थे। न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए नए सिक्के की तरह दिखाई पड़ते थे। रिजेंबल मतलब के समान दिखाई पड़ना, ये सचमुच में नए नए सिक्के की समान दिखाई पड़ते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, ये जो बच्चे थे एक्सपोजिंग खुला छोड़ रखे थे देमसेल खुद को टू द रेन, वर्षा के हवाले, यानी खुद को वर्षा के हवाले खुला छोड़ रखे थे, यानी वर्षा के हवाले कर दिए थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, रैन आउट दौड़ पड़े थे टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पल्स, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी इट्स रियली यानी इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है, अब सचमुच में इट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी सचमुच में बुरा हो रहा है। आई होप इट, आई होप पासेस क्विकली, बस इतना दिया है। आई होप इट पासेस क्विकली, एक्सलेंट द माइंड, हाँ यानी चकित होकर के व्यक्ति का आई होप पासेस क्विकली है, बस इतना ही है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट लगाया है, ये नहीं मैं बोल रहा था, इसमें इट नहीं है, मेरे दिमाग में वैसे था। आई होप इट पासेस क्विकली, कैसे मेरे दिमाग में आ गया कि इट होगा, वर्षा के लिए ही कह रहा है, और यहाँ पे दोनों करता एक ही, दोनों क्रिया एक जैसे, एक ही पास कैसे, होप भी और पास भी, ये दोनों क्रियाएँ एक पास कैसे, इन दोनों क्रियाओं का कर्ता कौन है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये गुजर जाएगा, यानी हाँ इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से गुजरा नहीं, यानी वर्षा जल्दी से खत्म नहीं हुई। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल इस्ट रैंड ऑन द हाउस, यानी एक घंटे तक ओले पड़े, हेल मिस ओले रैंड मिस बरसे ऑन द हाउस, घर पे बरसे, द गार्डन बगीचे पे, द हिल साइड पहाड़ी के तरफ, द कॉर्न फील्ड यानी अनाज के खेत में, कॉर्न मिस अनाज, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में भी बरसे, यानी वर्षा ओले कहाँ कहाँ बरसे पूरी बात गिना दिया। अब देखिएगा इसी को एक्सप्लेन करके देगा पूरा बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बनाएगा, बढ़िया से अर्थ निकाल लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा। वैली द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट, यानी फील्ड एकदम वाइट हो गया था, यानी खेत एकदम सफ़ेद हो गया था, वाइट, द फील्ड वाज वाइट, खेत एकदम सफ़ेद था यानी सफ़ेद हो गया था। एज इफ या एज दो, एज इफ कहें चाहे एज दो कहें, दोनों से मन मानो का अर्थ निकलेगा, ये जानो यानी मान लो, एज इफ मान लो कवर्ड विथ साल्ट, यानी यह ढक गया हो नमक से, ठीक है ना, नमक से ढक गया हो, इस तरह से मालूम पड़ रहे थे। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी नहीं रिमेंड कर पाई थी, बच पाई थी, ठीक है, ऑन द ट्रीज, वृक्षों पे, वृक्षों पे एक पत्ती भी नहीं बच पाई थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी नहीं, नॉट जहाँ जिसके साथ लगाना चाहें उसके साथ लगा सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक ना, और हम लोग सिर्फ क्रिया के साथ नॉट लगाना सीखें। देखिए यहीं पे नॉट को किसके साथ लगाया है, ठीक ना, और हम अपना जो नॉट पे नया जो नियम दिए, तो नॉट पे जो नया नियम दिया ऐसे ही है, ठीक ना। नॉट रमेश वाज ईटिंग, यानी उसी के रमेश को इनकार कर रहे हैं, आगे देखेंगे। तो नॉट ए लीफ रिमेन, एक पत्ती भी नहीं बच पाई थी ऑन द ट्रीज, वृक्षों पे, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल जो थी कार्मिस अनाज, यानी जो भी अनाज थे, यानी फसल जो थी, उस अनाज टोटल के टोटल पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे पौधों से वो चले गए थे, वर गॉन चले गए थे फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा भर गई थी विथ सैडनेस, यानी किससे, दुख से भर गई थी लेंचो की आत्मा। वेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब स्टार्म हैड पास्ट, यानी जब वो तूफान रुक गया, यानी आंधी रुक गई, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मीन्स महामारी की बीमारी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा लोकस्ट मीन्स टिड्डी, यानी टिड्डियों का अगर झुंड आया होता और कहर बरपा किया होता, तो उनका जो कहर होता, उनके नाम से जो ये परेशानी आती, मुसीबतें आती,
तो जो महामारी होती वह महामारी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहीं ज़्यादा छोड़ी होती, यानी वह महामारी कहीं ज़्यादा छोड़ दी होती देन दिस, इसकी अपेक्षा, यानी टिड्डियों का अगर झुंड आया होता तो कहीं ज़्यादा छोड़ा होता। अब देखिएगा प्लेग कहा है तीसरे से, यानी टिड्डियों से जो दिक्कतें हो गई होती, यानी टिड्डियों वाली महामारी अगर यदि आई होती तो कहीं ज़्यादा छोड़ दी होती आगे वो महामारी। दहेल, लेकिन दहेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये ओले कुछ नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, इस वर्ष हमारे पास कोई कार नहीं होगा, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा आगे, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। देखिएगा दैट नाइट वाज ए सॉरफुल वन, दैट नाइट वाज ए सॉरफुल वन, वह रात सॉरफुल वन थी, यानी वह रात दुखदाई रातों में से एक रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल हम सभी के सभी भूखे रह जाएंगे, यानी इस साल हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में, बट इन द हार्ट्स दिलों में ऑफ ऑल, सभी के लिव्ड हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, उन सभी लोगों के दिलों में जो एकांत घर में रहते थे, उन सभी लोगों के दिलों में, द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच में एकांत घर में जो रहते थे उनके दिलों में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। गॉड का जी कैपिटल क्यों है, ईश्वर के लिए आया है, यानी उन लोगों के दिलों में बस एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। आगे देखते हैं, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टू ए टोटल लॉस। देखिएगा यहाँ पे लेखक क्या जहाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं डोंट बी सो अपसेट, इतना मायूस ना हो, इतना उदास, इतना दुखी मत हो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स लाइक टू ए टोटल लॉस, भले ही पूरी की पूरी क्षति मालूम पड़ रही है, सीम्स मीन्स मालूम पड़ रही है, इवेन दो, भले ही पूरी की पूरी क्षति मालूम पड़ रही है, पूरा नुकसान मालूम पड़ रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा उदास मत हो। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो प्यारे बच्चों तुम भी, कि कोई नहीं मरता है ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, याद रखो। यानी यहाँ इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखो, यदि तुम मेहनती हो, लेंचू ने मेहनत की थी, ठीक है, मेहनती हो तो किसी कीमत पे तुम भूखे नहीं मर सकते, याद रखो। अगला, दैट्स व्हाट दे से, वही तो लोग कहते हैं, यानी यही तो लोग कहते हैं, दैट्स व्हाट दे से, दे मिस वे, यानी लोग यही तो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरा करता है, यही तो लोग कहा करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, सोचता था, यानी सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एक ही आशा के बारे में, लेंचो सोचता रहा पूरी रात भर, लेंचो अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, किस आशा के बारे में सोचता रहा लेंचो, अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर, ईश्वर की मदद, यानी ईश्वर से मदद है। ध्यान दीजिएगा इसको, ईश्वर में कितनी पकड़ है, मतलब कि ईश्वर में कितना विश्वास है। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे लग रहा था कि इंस्ट्रक्ट की गई है, किया गया है, उसको निर्देशित किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वैसे ही हुज आइज, किसकी आँखें, ईश्वर की आँखें हैं, ये हुज आइज ईश्वर के लिए हैं, ठीक ना, हुज आइज यानी गॉड, हुज आइज जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखा करती हैं,
यानी लेखक कह रहे हैं कि लेंचो कह रहा है कि उसकी आँखें हर चीज देखा करती हैं, इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन मीन्स भी वट इज डीप, कितना क्या है गहरे किसी की अंतरात्मा में, किसी की गहरी अंतरात्मा में क्या है, तो वो भी ईश्वर की आंखें देख लिया करती हैं। ठीक है, आगे लेंचो वाज इन आक्स ऑफ ए मैन, अब कहानी दूसरे तरफ ले जाई जा रही है। लेंचो वाज, लेंचो था इन आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आक्स था, एक बैल था, ऑफ ए मैन एक आदमी का, यानी आदमी रूपी बैल था, इस तरह से कहेंगे। लेंचो वाज, लेंचो था, ठीक ना, क्या था, एक बैल, ऑफ ए मैन आदमी का बैल था, नहीं आदमी रूपी बैल था, आदमी रूपी बैल था। लेंचो वाज, लेंचो था इन आक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी रूपी बैल था, यानी बैल रूपी आदमी नहीं कहेंगे, आदमी रूपी बैल था, मतलब आदमी होते हुए भी बैल के समान था। किस आधार पे, यानी इतना काम करता था, काम के आधार पे लेखक यहाँ पे कह रहा है कि बैल रूपी आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, काम करते रहता था पशु की तरह, अखड़त रहे, ठीक है, इन द फील्ड्स, खेत में काम करता रहता था, बट स्टील ही न्यू, फिर भी वह जानता था, क्या जानता था, हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी फिर भी वह लिखना जानता था। अब याद रखिएगा, नो के बाद से जब इन्फिनेटिव लगाया जाता है तो हाउ टू का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, हाउ, नो जब भी रहेगा तो नो के बाद से टू इन्फिनेटिव सिर्फ नहीं आएगा, हाउ टू आएगा। हाँ, स्टिल ही नो हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था, यानी फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, अच्छा संडे का एस कैपिटल क्यों है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विथ ए कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एट डे ब्रेक, दिन निकलते समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद लेकर करके जाता, कैरी करके ले जाता, टू टाउन कस्बे को लेकर करके जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में इसको डाल देता, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, या कुछ और ना था, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड के अलावा दूसरा कुछ ना था, गॉड लिखा क्या था, देखिएगा, गॉड ही रोट, उसने लिखा था, गॉड ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है इफ यू, इफ को इन्वर्टेड कामा में जो भी सेंटेंस लिखा जाता है उसका पहला जो वर्ड होता है, उसका पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर का होता है, ये स्मॉल में क्यों है, क्या जी, गॉड भी उसी में है, समझ में आ रही बात ना, अलग अलग कर दिया है सेपरेट कामा से, देखिए गार्ड को देखिए अलग से इन्वर्टेड कामा लगा रखा है, ठीक ना, तो ये सेपरेट कर दिया, क्लोज कर दिया है, ठीक है, तो गॉड ही रोट, यानी इस तरह से इसको कहें अगर, ही रोट, अब लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में गॉड कामा लगेगा, संबोधित करके लिख रहे हैं गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यानी यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे, मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे, आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्या कह रहे हैं, आई नीड 100 pieces, मुझे 100 pieces की ज़रूरत है, मुझे 100 pieces की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू, के लिए, टू सो, बोने, यानी बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेत को, अगेन दोबारा, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pieces की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो टू लिव, और जीने के लिए भी, यानी खेत को बोने के लिए भी और जीने के लिए भी, कब तक जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ ना जाती अगली, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने क्या कर डाला है, मेरी फसल को बर्बाद कर डाला है। अब यहाँ समझने की बात यह है, वो चाहता तो कुछ एक्स्ट्रा मांग लेता, लेकिन एक ईमानदार किसान एक्स्ट्रा नहीं मांगा, उतना ही मांगा जितना कि उसका, हाँ, अगली फसल तक का हो सके, ठीक ना, वो एक्स्ट्रा चाहा होता तो मांगना होता, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं मांगा, क्योंकि वो चाह रहा था कि हम एक्स्ट्रा ना लें, नहीं तो आगे चलते उस पर ले जाओ तो,
तो उसने क्या लिखा, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, टू गॉड यानी ईश्वर को। देखिएगा जब भी लेटर लिखा जाता है तो लिखा जाता है बाएं तरफ टू गॉड, बाएं तरफ ऊपर लिखा जाता है टू, टू मी सेवा में यानी प्रेषक, सॉरी टू मतलब को मिले, किसको मिले टू गॉड, ईश्वर को मिले। ऑन द एनवेलप लिफाफे पे उसने लिखा टू गॉड यानी ईश्वर को मिले, ईश्वर को मिले ये लिखा, ठीक ना। और उसके बाद क्या कहा किया, बट द लेटर इन सॉरी पुट द लेटर इन साइड, और लेटर को इन साइड पुट कर दिया यानी अंदर डाल दिया लेटर, एंड स्टिल ट्रबल और फिर भी परेशान हुआ, परेशान हुआ। वेंट टू टाउन, टू टाउन और कस्बे के गया यानी परेशान होकर करके कस्बे को गया। आगे देखिएगा, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने पोस्ट ऑफिस पे गया और ही प्लेस्ड मिस स्थान दे दिया यानी लगा दिया ए स्टैम्प, एक टिकट लगा दिया, स्टैम्प मिस टिकट होगा। ऑन द लेटर, लेटर पे टिकट लगा दिया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में इसको छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, इम्प्लाइयों में से एक इम्प्लाई यानी तमाम सारे इम्प्लाइयों में से एक इम्प्लाई, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली दिल से हंसते हुए गया अपने बॉस के पास, मालिक के पास। एंड शोड हिम टू द लेटर, लेटर को दिखाया टू गॉड, ईश्वर के नाम से खत को उसने दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने पेशे में वो कभी नहीं है एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, पोस्टमैन के पेशे में वो कभी भी नहीं हैड ही नोन द एड्रेस, उस पते को जान पाया था। द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमास्टर ए फाइटमेबल फेलो, एक मोटा सा हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति था। जानने की यहीं पे पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच छिपा हुआ है, यही इसी को बार बार बढ़िया से अगर पढ़ेंगे, अर्थ निकालना आज सीख जाएंगे, फिर यहीं से आपको बनाना आ जाएगा कि पूरा कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण पोस्टमास्टर का किस तरह से लिखेंगे। तो कह रहा है द पोस्टमास्टर, फिर से हाइफन लगा दिया, ए फाइट इन पोस्टमास्टर था, क्या था, कैसे था, फाइट, मोटा था, अमियेबल था, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, फिलो मतलब व्यक्ति। आल्सो, और आगे क्या कर, आल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट पूरी तरह से इमीडिएटली मतलब तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, पूरी तरह से वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर, और लेटर को टेप करने लगा, टेप में सोचा खटखटाना, खटखटाने लगा। ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और कमेंट करते हुए उस पर तर्क वितर्क करते हुए, ठीक ना, उसकी विवेचना करते हुए, कमेंट मतलब तो आलोचना होता है, लेकिन उस पर सोचते हुए वो लगा क्या करने, सोचने लगा, ठीक ना, खटखटाते हुए। आगे व्हाट फेथ, कैसा विश्वास, देखेंगे एक्सक्लेमेशन साइन है, यानी किस तरह का विश्वास। आई विश, मेरी इच्छा है, यानी काश, यानी मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी होता, आई हैड, मेरे पास था नहीं, मेरे पास भी होता द फेथ ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की का फेथ मेरे पास भी होता, वो रोट दिस लेटर, जिसने इस खत को लिखा है, काश मेरे पास भी उतना ही क्या होता, विश्वास होता मेरे पास भी। फेथ इन मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने इस खत को लिखा है, स्टार्टिंग अब शुरू कर दिया है ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने पत्राचार यानी पत्र को भेजना और मंगाना, ये दोनों काम करना शुरू कर दिया। काश इतना ही ज़्यादा, ठीक ना, इतना ही मेरे पास भी विश्वास होता ईश्वर में। आज सचमुच लेंचो का उतना विश्वास था ईश्वर में, तभी तो ईश्वर से डायरेक्ट मांग रहा है अगला। सो इसीलिए देखिएगा एडवर्ब है, इसलिए कम, इन ऑर्डर टू शो द राइटर्स फेथ, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ, राइटर के से हिस्से में सेक करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, इन गॉड, गॉड में यानी ईश्वर में, इस लेखक का विश्वास बना रहे यानी लेंचो का विश्वास बना रहे, इसीलिए उन्होंने यानी उस पोस्टमास्टर ने, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, एक विचार उसके दिमाग में आया यानी एक विचार उसके दिमाग में सूझा। आंसर द लेटर, चलो लेटर का आंसर दे देते हैं, ठीक है, आंसर द लेटर, लेटर का आंसर दो, आंसर देते हैं। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, अभी तो लेटर खोला भी नहीं था, तब तक कितनी बातें आ गई, चलो
उस किसान को हम लेटर का जवाब देते हैं, आगे क्या करें, बट वेन ही ओपन द लेटर, लेकिन लेटर को जब उसने खोला, बट क्यों लगा करके बोल रहा है, यानी अब यहाँ से कुछ विपरीत बात होने जा रही है, इसलिए बट का प्रयोग किया है, ठीक ना। खोला, इट वॉज इविडेंट, अस्पष्ट था दैट टू आंसर इट, इसका आंसर देना एकदम अस्पष्ट था, ही नीडेड समथिंग मोर, उत्तर देना तो अस्पष्ट था, उत्तर तो देना ही देना था, लेकिन उसको और भी चीज़ की जरूरत थी, ही नीडेड समथिंग मोर, किसी और भी चीज़ की जरूरत थी, मोर देन गुडविल, गुडविल यानी सद्भावना, इंक एंड पेपर, सद्भावना स्याही और पेपर के अलावा और भी किसी चीज़ की जरूरत थी, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह रिसोल्यूशन पे डटा रहा, बट ही स्टक, लेकिन वह डटा रहा टू हिज रिसोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय पे, रिसोल्यूशन मीन्स दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय पे वह डटा रहा, ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसे की मांग किया, आस्क फॉर मीन्स होता मांगना, वह पैसे की मांग किया, ही आस्क फॉर मनी फ्राम हिज एम्प्लाइज, अपने एम्प्लाइयों से, कर्मचारियों से उसने पैसे मांगा, ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद अपने सैलरी का एक हिस्सा दे दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके तमाम सारे कई सारे उसके मित्र, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, वो भी ऑब्लाइज कर दिए गए, मजबूर कर दिए गए टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पे, दान के काम पे, यानी दान के नाम पे, ठीक ना, उनके तमाम सारे मित्र भी मजबूर कर दिए गए कुछ देने के लिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, यानी एक साथ इकट्ठा करना असंभव था उसके लिए, द हंड्रेड पीसेस, सौ पीसेस एक साथ इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल था, सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसीलिए वह एबल हो पाया, योग्य हो पाया टू सेंड, भेज पाने में द फार्मर उस किसान को ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, थोड़ा सा ज़्यादा हाफ से, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भेज पाने में वह कामयाब हो पाया, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह किसी एक लिफाफे में वो लेटर को रख, पुट पैसे को रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेसिंग कर दिया, लेंचो का पता लिख दिया, एंड संबोधित कर दिया, एंड विथ देम, और उसी के साथ ए लेटर कंटेनिंग, और एक लेटर भी कंटेनिंग कर दिया, यानी एक लेटर भी डाल दिया, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक ही शब्द था उस लेटर पे, ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, सिग्नेचर ऑफ गॉड, यानी बस ईश्वर का सिग्नेचर वाला खत ही उसमें डाला, यानी सिर्फ उस लेटर पे ईश्वर का सिग्नेचर था, गॉड लिखा हुआ था, इतना ही, एक ही शब्द का वह लेटर था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, आने वाले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आया, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को लेंचो केम, लेंचो आया ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आया, देन यूजुअल टू आस्क, देन मिस की अपेक्षा, यूजुअल मिस प्राय की अपेक्षा, टू आस्क पूछा करता था प्राय आया कर करके, कि इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है, यानी पहले जो प्रायः जो आ कर करके पूछा करता कि क्या, इफ कार देखिए क्या निकलेगा, कि क्या, यदि नहीं निकलेगा कि क्या, देयर वॉज ए लेटर, कि क्या कोई लेटर है फॉर हिम, उसके लिए क्या कोई लेटर है, याद रखिएगा हमको भी इफ का अर्थ यदि निकालना आता है, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, आगे चलते हैं, लेकिन याद कीजिए आप नरेशन पढ़े होंगे तो नरेशन में आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट टाइप इंडिकेटिव जब भी हुआ करता है और इसका इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है तो कंजंक्शन कुछ और नहीं लगाते, इफ या वेदा लगाते हैं, तो वही फर्स्ट टाइप इंडिकेटिव था और उसी का ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, तो इफ कंजंक्शन बना है, ये वाज शुरू में था लेकिन जब ये इफ लग गया तो हाँ, तो कि क्या प्राय की अपेक्षा वो पहले आया उस दिन, कि क्या कोई लेटर है, पता चला कि कई संडे को आ गया था, कई बार वो आया था, लेंचो कई बार आया था, कई संडे को आया था आगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले आया, इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन ही था, इट वॉज पोस्टमैन, पोस्टमैन ही था, पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन ही था खुद जिसने क्या किया, हैंडेड किया लेटर को, यानी लेटर को थमाया, यानी पोस्टमैन ही था जो खत को थमाया,
पोस्टमैन ही था जो खत को थमाया, जो खत को थमाया यानी दिया। आगे देखेंगे, पोस्टमैन ही था जो हैंडेड द लेटर टू हिम, उसको वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग, जबकि जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव कर रहा था द कमेंटमेंट कंटेंटमेंट संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, हू हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जो अच्छा कोई काम किया हो और वह संतुष्टि का अनुभव करता हो, उसी तरह से वह भी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के डोरवे से यानी खिड़की के रास्ते से वह देखता था, अपने ऑफिस के खिड़की के रास्ते वह देखता था। लेंचो, लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी नहीं सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। देखिए जो मैं पढ़ाया अभी निगेटिव का, मैं दूसरा रूल जो पढ़ाया था, तो अब तक निगेटिव का ग्रामर की किताबों में, ट्रांसलेशन की किताबों में कहीं पे भी इस तरह का रूल नहीं दिया गया है कि सहायक क्रिया के बाद से ही इन्फिनेटिव नॉट का प्रयोग किया करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट का प्रयोग कहाँ किया है, क्रिया को निगेटिव नहीं बनाया है। देखिएगा लेंचो सोड नॉट, लेंचो ने नहीं दिखाया, ऐसा ही इसको हम लोग बनाते हैं, तो इस तरह से कहते हैं लेंचो डिड नॉट सो, लेंचो डिड नॉट सो, फर्स्ट इनफिनिट है तो डिड लगाते और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते, तो बनाते लेंचो डिड नॉट सो, लेंचो ने नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे लिखा है लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दिखाया थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं। यानी देखिएगा कि नॉट किसके लिए आया, क्रिया को नकारात्मक बनाने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे कहना ये है जो भाग निगेटिव होता है उसी में नॉट लगाया कि लगाया जा, और यही रूल मैंने दिया है और इसका कहीं किसी ने वर्णन नहीं किया मेरी किताब में है, द यूनिक मेथड ऑफ सॉरी ब्रॉड स्टडी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन विद ग्रामर में, मेरी इस किताब में है। आगे देखेंगे क्या है, लेंचो सोड नॉट, लेंचो ने दिखाया ही नहीं, लेंचो दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं, नहीं उसमें ले जाएंगे लगा करके लगाएंगे, ठीक ना। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, सच वाज हिज और कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका कॉन्फिडेंस था। यानी आश्चर्य अगर दिखाया होता लेंचो तो कॉन्फिडेंस में कमी पाई जाती कि हाँ लेंचो का कॉन्फिडेंस पूरा था नहीं, चकित वही हुआ करता है जो आशा के विपरीत काम देखता है, लेकिन आशा के हिसाब से ही काम हुआ। यानी लेंचो को पूरी की पूरी उम्मीद थी कि मैं लेटर लिख रहा हूँ ईश्वर को और ईश्वर मुझे पैसा जरूर भेजेगा, तो पैसा तो मिल गया। अगर पैसा पा कर करके ईश्वर ये लेंचो आश्चर्य दिखाता तब पता ये चलता कि लेंचो वैसे तुक्का मारा था, चलो लेटर लिखते हैं पैसा हो सके तो मिल जाए, लेकिन लेंचो का 100% विश्वास था, इसीलिए लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। कहाँ से है, हाँ कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, यानी उसे तो चकित होना चाहिए कि जितना मिल गया उतना मिल गया, ठीक ना, लेकिन वह नाराज हो गया। अब देखिए कितना विश्वास है कि मैं ईश्वर से जितना कहूँ ईश्वर उससे कम कर दे, ईश्वर से मैं 100 पीसेस की मांग किया था वो 100 पीसेस ही भेजेगा, ठीक ना, भेजा वो सही है लेकिन हमको इतना ही मिला है, नाराज हो गया ही बीके मैंगरी। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट है मेड ए मिस्टेक, यानी ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता, यानी गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही, देखिएगा ही को कैपिटल लिखा गया है, क्यों, ईश्वर के लिए जो भी प्रोनाउंस आएंगे या जो भी नाउ, हाँ जो भी प्रोनाउंस आएंगे वो भी कैपिटल ही रहेंगे, नार या नाउन भी, नार कुड ही हैव डिनाइड, नहीं ईश्वर इनकार कर सकता था लेंचो को, व्हाट ही
हैड रिक्वेस्टेड, यानी लेंचो ने जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया था उसके लिए ईश्वर इनकार भी नहीं कर सकता था। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास लेंचो खुद तुरंत गया टू आस्क पूछने के लिए, क्या टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, यानी इंक और पेपर को मांगने के लिए गया, स्याही और कागज मांगने के लिए गया खिड़की के पास। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी सार्वजनिक लिखने वाले टेबल पे, यानी पब्लिक राइटिंग टेबल पे सभी जहाँ लिखा करते थे, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया विथ मच रिंकलिंग, ज़्यादा सिकोड़ सिकोड़ करके, रिंकलिंग मतलब सिकोड़ना, सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो अपनी भौहों को ज़्यादा सिकोड़ते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट, यानी किसके कारण भौहें सिकोड़ रही थी, काज मीन्स के कारण, एफर्ट मीन्स प्रयास से, ऑफ ही हैड टू मेक, उसको बनाना पड़ता था, टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए ठीक ना, उसे अपने भावों को सिकोड़ना पड़ता था। ठीक है आगे, तो ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने भावों को बनाने के लिए वैसे इस तरह से करना पड़ता था, भावों को सिकोड़ना पड़ता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर दिया, नहीं लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट को खरीदने के लिए गया वो खिड़की के पास, विच ही लिक्ड, जिसको उस स्टैम्प को यानी टिकट को उसने थूक लगाया, यानी चाटा, पहले ऐसे ही हुआ करता था जब भी लेटर पे क्या बोलते हैं कि टिकट लगाई जाती थी, तो टिकट पे थोड़ा सा थूक लगा दिया जाता था या पानी लगा दिया जाता था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गम हुआ करता था, सूखा गम, और जब वही पानी लगा दिया जाता या थूक लगा दिया जाता तो हरा हो जाता ठीक ना, और फिर से वो चिपक जाता, ताज़ा हो जाता, हरा नहीं हो जाता। आगे, एंड लिख देम, उनको उसको चाटा, एंड देन फिक्स्ड टू, और तब जा कर करके फिक्स्ड कर दिया, यानी चिपका दिया टू द एनवेलप लिफाफे पे विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट में हथेली का गुस्सा, अपने हथेली के एक गुस्से से उसने उस पर टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट, उसी लम्हा उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उसी मेल बॉक्स में वो लेटर गिर गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, ठीक ना, पोस्ट मास्टर वेंट मीन्स गया टू ओपन इट, इसको खेलने के लिए पोस्ट मास्टर गया, इट सेड कहता था, यानी एक खत कह रहा था, क्या कह रहा था देखिएगा, क्या कह रहा था, गॉड ईश्वर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसलिए कालन लगा है, ऑफ द मनी, अच्छा ऑफ स्मॉल में है, कैपिटल में है, कैपिटल में है, पहला अक्षर कैपिटल है, क्यों कैपिटल है, याद रखिएगा, ये जो कालन लगा हुआ है तो कालन के बाद से भी जो शब्द आएगा और उसका पहला अक्षर जो रहेगा वो भी कैपिटल रहेगा, बिल्कुल ये किसके जैसे है, इन्वर्टेड कामा के जैसे है कॉलन, समझ में आ रही बात ना, यानी किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, और यहाँ पे जो स्पी क्या बोलते हैं कि यहाँ संबोधित किया जा रहा है गॉड, यानी वो खत कह रहा था गॉड ऑफ द मनी, वो पैसा दैट आई आस्क फॉर, जिसके लिए मैं मांग किया था, ओनली 70, केवल 70 पीसेस रिच्ड मी, केवल 70 पीसेस मेरे पास पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष भेज देना, सेंस चूंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है इसकी, वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मत भेजना, थ्रो द मेल, डाक से मेल से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, होते हैं या हैं बंच ऑफ क्रूक्स, हैं बेईमानों के गिरोह हैं, लुटेरों के, बंच मिस गुच्छा होता है लेकिन गिरोह से अर्थ होगा, क्रूक्स मिस बेईमान लुटेरा है ना, तो बेईमानों के ये क्या हैं, गिरोह हैं, समूह हैं, लेंचो और कह दिया लेंचो, ठीक ना, ये एलिफेंट्स ने इसको लिखा, हमारी बात पूरी होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इस कहानी को आपने समझा पूरी तरह से, कहानी को कहिए तो इंग्लिश में भी फिर से मैं अपने शब्द में बता दूं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इसको बढ़िया से एक आदमत पढ़ लीजिए, और पढ़ने के जब तक कि क्लियर ना हो जाए, पहले तो स्पीडली पढ़िए, स्पीडली पढ़ने के बाद से फिर आप देखिए कि इसको कई बार अगर पढ़ लेते हैं तो फिर अब अर्थ निकालना सीखिए, जब अर्थ निकालना आ जाएगा फिर इसका क्वेश्चन आंसर कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन उठाइएगा पहले,
फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की भी करने से पहले पैसेज उठाइएगा, पैसेज का छोटा छोटा जो क्वेश्चन होगा उसको इसी में से ढूंढिएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को ढूंढना शुरू कीजिएगा, एकदम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है, पैसे दिखा देते हैं यहीं पे, मैं जिस किताब को लेकर के पढ़ा रहा हूँ इसी किताब से देख लेते हैं। चलिए पैसे कहाँ से उठाया, द हाउस यानी द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में जो एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल, वही लाइन है ठीक ना, गॉड विलिंग यानी ईश्वर की अनुकंपा था, यानी जो उसकी वाइफ बोलती है तो ईश्वर की अनुकंपा है वर्षा हो रही है ठीक ना, तो वही वाली लाइन है। अब इसमें कितना क्वेश्चन बनाया, 5 क्वेश्चन बनाया है ठीक ना, इन 5 सवालों का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ सिचुएटेड था, पढ़िए वहाँ देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा, यानी द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इतनी बात कर लिया। फिर से लिखा सेट ऑन, बसा हुआ था, स्थित था, सिचुएटेड था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यही ना, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो घर कहाँ बसा हुआ था, देखिए आप आंसर लिखना पड़ेगा इस तरह से, यानी द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, अब सेट ऑन नहीं लिखेंगे, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर वह घर बसा हुआ था, क्लियर हुआ। हु कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, सॉरी व्हाट कुड यू सी, तुम क्या देख सकते थे फ्रॉम द हाउस, घर से, उस घर से क्या क्या देख सकते थे, तो देखिए वहाँ वो लाइन याद कीजिए, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप का, है ना, उस ऊंचाई से वन कुड सी या आई कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, यानी उस ऊंचाई से अनाज वाले खेत को भी कोई देख सकता था, और क्या, तो क्या आंसर बनेगा, यू कुड नहीं कहेंगे, आई कहेंगे, आई कुड सी, व्हाट की जगह पे क्या कर देंगे, हाँ व्हाट को हटा देंगे, आई कुड सी द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न एंड द रिवर फ्रॉम द हाउस, उस घर से, क्लियर हुआ इतना। तीसरा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखिए, फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, समझिएगा बढ़िया से, राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखिए, फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, तो कहेंगे राइट को हटा देंगे, ऑर्डर दिया गया है, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन इज, क्या इज, ए लेटर टू गॉड, देखिए ए लेटर टू गॉड ऊपर अभी दिख भी रहा होगा ठीक ना, देखिए ऊपर हेडिंग में दिख रहा है ठीक है, मेरे अंगूठे के पास में, तो ए लेटर टू गॉड जो लिखा गया है कैपिटल लेटर से, जिस तरह से लिखा गया ए कैपिटल है, लेटर का एल कैपिटल है, फिर से आगे प्रीपोजिशन आया है तो वह स्मॉल लेटर में रहेगा, फिर से दूसरा कोई आर्टिकल आता तब भी स्मॉल में होता, प्रीपोजिशन आएगा तब भी स्मॉल में रहेगा ठीक है आगे, और गॉड भी कैपिटल में, तो क्या इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद से क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है उसी में, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के ऑथर कौन है, क्या कहेंगे, हु की जगह पे लिख डालिए लेखक का नाम, जी एल फोइंस इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, क्लियर हुआ। ये तो सारे सवाल में जितने सारे पैसेज आएंगे उन सारे पैसेजों में यही क्वेश्चन होगा इधर उधर घुमा करके ठीक ना। आगे फ्रॉम द पैसेज पिक आउट द वर्ड्स, इन शब्दों को ढूंढ निकालो, विच मीन्स द फॉलोइंग, जिसका निम्न मीनिंग है अपने पैसेज में से, फॉरकास्ट भविष्यवाणी करना, तो देखिए उसमें प्रिडिक्टेड, उसमें आया था प्रिडिक्टेड सब, एज लेंचो प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था ठीक है। अगला वेरी बिग लार्ज ह्यूज ठीक ना, लार्ज कह दीजिए ठीक ना, तो लार्ज हो जाएगा उसी पैसेज में देख लीजिएगा, लार्ज है कि ह्यूज है, दोनों में से कोई एक शब्द आया है, याद नहीं आया, चलिए पैसेज पलटिए, कहाँ तक देखना है, विलिंग तक,
इसी में से तलाशना है। लार्ज कर दीजिएगा, देखिए अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं दिमाग पे आ रहा है। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, हाँ एक शब्द आया था ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का एक विशाल। देखिए तो लाइन कहाँ है, अच्छा अच्छा जी ह्यूज शब्द आया है ना, तो लार्ज का वेरी लार्ज का क्या मीनिंग होगा, ह्यूज, क्या होगा ह्यूज है ना, यही था ना। फॉरकास्ट मीन्स प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्ट शब्द का उसमें यूज किया गया है, और वेरी लार्ज शब्द का इसमें इसका मीनिंग उसमें है, तो क्या होगा ह्यूज, क्या होगा ह्यूज, ऐसे ही कर कर करके। अच्छा है, हम इसमें से इसमें आ गए, इसमें आ गए, ठीक ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताना था हमको इसको, हम इसमें आकर करके इसका बता दिए, ठीक ना। आगे देखिएगा, इसको देखिएगा, आल, आल का उसमें इंटायर हो जाएगा, रिक्वायर्ड का क्या हो जाएगा, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, क्या नीडेड, धरती को जिस एकमात्र चीज की जरूरत थी, तो नीडेड को मैच कर देंगे रिक्वायर से, रिक्वायर में साफ आ सकता, समझ में आ गई बात ना जी। जरा देखिएगा, ये दूसरा पैसेज आ गया, व्हाट हैपेंड एट द मील टाइम, मील टाइम में क्या घटित हुआ, यह दूसरा पैरा दे दिया, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, वही वाली लाइन है, यानी वर्षा होने लगी। अगला देखिए कहाँ है, वाली लाइन इसको लिख डालिएगा। हाँ अगला, व्हाट हैड लेंचो प्रिडिक्टेड, लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया था, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन, याद आ रही है वो लाइन, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, तो वही वाली लाइन लिखनी है, यानी लेंचो प्रिडिक्टेड दैट प्रिडिक्टेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा में लिख सकते हैं, नहीं तो डर लगा करके लिखेंगे तो टेंस बदलना पड़ेगा, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा में क्या लिखेंगे, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वीर लिखा है, यानी वीर गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन, वो लिख देना। आगे कहाँ था, क्या, वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो क्यों गया बाहर, तो देखिए वो वाली लाइन याद कीजिए, वे गए किसी दूसरे कारण से नहीं, वर्षा के आनंद के अनुभव को लेने के लिए गए, वही वाली लाइन लिख देनी है, ठीक है। फॉरकास्ट का भी बता दिया, इसका बता ही दिया, ठीक है, चलिए लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है, अब पूरा अगर कराने लगेंगे तो उतना सही नहीं रहेगा, तमाम है और कराने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले शार्ट आंसर कीजिएगा फिर लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। आगे और इसी में से हिंट्स कर देते हैं, वीडियो लंबा हो जाने दिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये मैचिंग देख लीजिए, किसी बच्चे की किताब है, मेरी किताब नहीं है, ठीक ना, आगे देखेंगे मैचिंग क्या कर रहा है, ये इंटायर है, प्रिडिक्टेड है, और क्या है, कॉन्शियस है, कॉन्शियंस है, अमीएबली है, उसके पास क्या है, रिसोल्यूशन है, और क्रुक्स है, ठीक है, इनको मैच करना, एकदम श्योर है कि एक मैचिंग आएगा, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना होता है, या तो अपोजिट होता है या नियरेस्ट मीनिंग होता है, तो देखिएगा इंटायर में संपूर्ण, अब इधर देख लीजिए, इधर का इंटायर का संपूर्ण का अर्थ कहाँ निकलेगा, पहले इसको पढ़ लिए ए को, अब बी को देखिएगा, फ्रेंडली लिखा है, फ्रेंडली मित्रवत, अब मित्रवत को किससे मिला देंगे, अमीएबली, ठीक ना, अमीएबली मीन्स मित्रवत, अमीएबली मतलब मित्रतापूर्वक, फ्रेंडली मीन्स मित्रतापूर्वक, डिसऑनेस्ट पीपल, यानी जो बेईमान लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो क्रुक्स, क्या, बेईमान, क्रुक्स, होल संपूर्ण, इंटायर मीन्स भी संपूर्ण, तो होल को किससे मिला देंगे, इंटायर से। अगला फर्म डिसीजन, फर्म डिसीजन रिसोल्यूशन, दृढ़ निश्चय को फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़ निश्चय, फॉरटोल मीन्स फॉरकास्टिंग करना, प्रिडिक्शन करना, यानी वही फॉरटोल प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, इनर सोल कॉन्शियंस अंतरात्मा, ये मैचिंग देख लीजिएगा तमाम सारी किताबों से,
काका टेनियर अगर मिल जाए तो काका टेनियर में भरपूर दिया होता, ठीक है। तो इस पैसेज पे आधारित देख लीजिएगा उसको, और इसमें क्वेश्चन आंसर हल्का फुल्का दिखा लेते तो सही होता। वीडियो बड़ा हो रहा है, घबराएंगे नहीं, आपके फ़ायदे की भाई बात बताई जा रही है, और वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसके वजह से मैं एक ही में दे देना चाह रहा हूँ। सुबह ही अभी एक अपलोड हुआ, एक नहीं अपलोड हो पाया। हाँ, क्वेश्चन आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में देखें, थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन पहले देखिए। वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, घर कहाँ स्थित था, अभी हम लोगों ने पैसेज में पाया। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक इट वॉज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट ए हाउस, उस खास घर को संबोधित कर करके बताया गया है, ठीक ना। मानव जात के किसी खास घर को संबोधित करके बताया गया, किसी व्यक्ति के घर को, किसी अनिश्चित तमाम सारे घरों को संबोधित करके नहीं बताया गया है, इसके वजह से वहाँ पे ए हाउस लगा दिया गया है। दो हाउस लगाने का वही मतलब है, निश्चित घर। क्या निश्चित घर, देखिए ये जो आर्टिकल हुआ करते हैं ए और एन, जिस नाउन के पहले लगा करते हैं वो नाउन क्या होते हैं, अगर डिफिनिट होते हैं तो उनके पहले वो नहीं लगते हैं, डिफिनिट आर्टिकल लगेगा। तो अगर वे इनडिफिनिट होते हैं तो इनडिफिनिट के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल भी लगेगा, यानी ए और एन ही लगेगा। तो इसलिए वह घर कौन सा घर, लेंचो का घर, कहाँ था, निचली पहाड़ी की चोटी पे बसा हुआ था वही घर, ठीक ना। तो इस तरह से कहा रहा, आगे चलते हैं तो उस घर की तरफ इशारा किया गया, निश्चित घर। हेलो, नाउ वी आर रियली गेटिंग गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन, अब हम लोग सचमुच में पानी पाने जा रहे हैं, ठीक ना। वाज लेंचो श्योर दैट इट वाज गोइंग टू रेन, क्या लेंचो निश्चित था कि वह पानी पाने जा रहा है, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, अपना रीजन दीजिए। हाँ, क्योंकि अब रीजन के लिए क्या आप सबूत देंगे, तर्क, तो कहेंगे द एयर वाज फ्रेश, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और विशाल पर्वत जो था, बादलों का विशाल पर्वत, वाज अप्रोचिंग टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से बादलों का विशाल पर्वत आता हुआ मालूम पड़ रहा था। ये सब सबूत मालूम पड़ रहे थे कि उसका प्रिडिक्शन एंड उसकी भविष्यवाणी क्या है। आगे, व्हाट डिड द अर्थ नीडेड, धरती को क्या, किस चीज़ की जरूरत थी, एंड वाई, धरती को किस चीज़ की जरूरत थी, तो द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जिस एकमात्र चीज़ की धरती को जरूरत थी, वाज ए डाउन पोर आर एट लीस्ट ए सावर, याद कीजिए वो लाइन, ठीक ना। तो वही वाली लाइन आंसर बनाएंगे, तो इस तरह करके आप आंसर बनाएंगे। मैं आंसर नहीं दे रहा था, आंसर बनाने के लिए आपको सिखा रहा था, ठीक है। चलिए इतना ही के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।